दो चीजें मोदी जी के हमेशा मुझे याद है, वेरी यंग रिपोर्टर दैट टाइम, आई एम स्टिल यंग. मोदी जी के साथ हमने खाकरा जलेबी भी खाई है. चौधरी का मतलब क्या है? अरे आपको इतना नहीं पता ना, चौधरी इज जिसकी चौधराहट हो, मतलब द वन हु नोज, लाइक द बिग वन हु नोज इट. ये आपके हरियाणा में टाइटल होता था चौधरी. हाँ हाँ बिल्कुल. नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे का इंटरव्यू किया, तो आपके पूरे हरियाणवी कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ मेरे मुझे जानकारी हुई. आप लोग पराठे बड़े अच्छे बनाते हैं, पराठे चटनी और ये अचार के साथ जो हरियाणवी और दही बनाते हैं ना, फर्स्ट क्लास. मैंने तीन दही का खाना नंबर वन है, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा था. और एक गाना एंड में कोई गाना होता है रागनी, वो रागनी गाना भी गवाया भूपिंदर सिंह हुड्डा से. लेकिन वो तो चौधराहट आपकी है, मैं केवल ऑब्जर्वर हूँ. सर क्या बात कर रहे हैं, चलिए हम इसके लिए तो आप ही सबसे बड़े चुनाव के चौधरी हैं. दो चुनाव है अभी, एक हिमाचल में जिसकी पोलिंग हो गई है, एक गुजरात जो अभी पोलिंग के लिए जाएगा. गुजरात इलेक्शन को देखिए, या गुजरात स्टेट हो, या आपकी कवरेज हो, आप काफ़ी जाने जाते हैं, दोनों तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है आपको उससे, और बहुत आपको सराहा भी जाता है, बहुत पीपल लुक अप टू यू एज वेल इन दिस. एनेक्डोट्स की बात करते हैं, क्योंकि आप एनालिसिस हम तो टीवी पे देख लेंगे आपका, क्योंकि हम जैसे बैठते हैं बहुत हो जाता है, तो एनेक्डोट्स की बात करते हैं. आपका सबसे कोई हॉलमार्क मोमेंट है जो आपको याद है चुनाव में, क्योंकि जैसे ये शो चलेगा वी विल गो डीपर, बट व्हाट इज दैट वन मोमेंट दैट यू रिमेंबर कवरिंग एन इलेक्शन? देखिए, पहली बात तो गुजरात से मेरा एक बहुत बड़ा प्रेम और लगाव है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि गुजरात है. मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ, तो मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज है, क्योंकि मेरे नाना और नानी वहाँ रहते थे. अगर आप चुनाव कहें, पहला चुनाव तो 1990 में कवर किया था गुजरात में, जब चिमन भाई पटेल ने सरकार बना दी, कांग्रेस के साथ टाई अप कर दिया चुनाव के बाद, जनता दल गुजरात उनकी पार्टी थी, और चिमन भाई बड़े The only time a third party has come in. हाँ, अब देखिए थर्ड पार्टी आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो जनता दल गुजरात के थे वो पुराने कांग्रेसी थे जो चिमन भाई के साथ जुड़े हुए थे. लेकिन वो चुनाव जो था उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहली बार एक तरह से हिंदुत्व के बारे में जो जानकारी बढ़ने लगी थी, और बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी. पहली बार नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात उसी समय हुई. तब कैसे होते थे नरेंद्र मोदी? देखिए, मैंने मेरे किताब में भी लिखा है, दो चीज़ें मोदी जी के हमेशा मुझे याद है. एक तो वो बिल्कुल सफ़ेद, उनके जो कुर्ते पजामे थे ना, स्टार्च थे, यानी परफेक्टली वेल टर्न्ड आउट, बहुत अच्छी टर्न आउट, जो आपके अभी तक नहीं होते. ना ना ना, बट एक फर्क है प्रीति, अब वो है ना रंग बिरंगी कपड़े पहनते, उस समय ऑलवेज व्हाइट में हुआ करते थे. और दूसरा, उनका जो मीडिया मैनेजमेंट का जो कला अब है वो तब भी थी. Was he the media manager then? Yeah, he was the state secretary, गुजरात स्टेट सेक्रेटरी थे, RSS से उनको लोन किया गया था. एंड फर्स्ट इलेक्शन एक्चुअली दैट मोदी जी इन अ वे वर्कड ऑन वॉज 87 में, एक म्यूनिसिपल चुनाव हुआ था अहमदाबाद में, और वो चुनाव पहली बार बीजेपी ने अहमदाबाद में अपनी पकड़ बना ली, और वहीं से बीजेपी की ग्रोथ होती है. तो दैट इज द इलेक्शन दैट इन अ वे सेट अप द मोदी शाह जोड़ी, क्योंकि एक कहा जाता है वहां पे अमित शाह कौन थे 1990 में? नहीं, 87 में चाय ले आए क्या? चाय पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल, 87 में ये कहा जाता है कि उस म्युनिसिपल चुनाव में अमित शाह का रोल था कि हर जगह जाके पोस्टर लगाइए बीजेपी के. पोस्टर लगाते थे? हाँ, पोस्टर इंचार्ज थे वो, पब्लिसिटी इंचार्ज, और वो स्कूटर पर जाते थे और मोदी जी अपने पिलियन पर. तो मैंने कभी सोचा है, आपने देखा है? नहीं, मैंने ये देखा नहीं. पुराने जर्नलिस्ट जो अहमदाबाद 87 का चुनाव था, अमित शाह स्कूटर पर और मोदी जी उनके पीछे. आप सोचिए, कभी कभी ना हम लोग ये भूलते हैं कि अमित शाह और मोदी जी ने एक लंबा सफर तय किया, यू कैन नॉट डिनाई दैट. बट 1990 का जो चुनाव हुआ, दैट वॉज चिमन भाई ने जिस तरह से अपना एक तरह से लास्ट मिनट उन्होंने चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, और कांग्रेस का खात्मा वहीं से शुरू हुआ. क्योंकि एक बार आपने एक तरह से एक्सेप्ट किया कि आप पार्टी नंबर वन नहीं बने हैं, और जनता दल गुजरात के साथ आपने आपका एक अलायंस हुआ, बीजेपी के लिए स्पेस बढ़ गया गुजरात में, और लगातार बढ़ने लगा. बट आई टेल यू, वेरी यंग रिपोर्टर दैट टाइम. आई एम स्टिल यंग. दैट्स ट्रू. अभी तो. बट आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग, 1995 का चुनाव, फर्स्ट टाइम बीजेपी वन.
यू नो आई हैड जस्ट जॉइंड टीवी 94 अक्टूबर में मैंने टीवी ज्वाइन किया और फरवरी 95 में ये चुनाव हुआ गुजरात में और 94 अक्टूबर आई ज्वाइन टीवी 95 चुनाव ये होता है एंड वी वर टू डू एन एग्जिट पोल तो हमें सबको भेजा गया गुजरात तब दूर खुद अपनी एग्जिट पोल करना ना दूरदर्शन के लिए प्रणय रॉय एग्जिट पोल कर रहे थे राइट थ्रू एन एजेंसी हाँ एजेंसी हाँ उन्होंने जो भी था और हम लोग उस पर पूरा प्रोग्राम कर रहे थे तो हर व्यक्ति को भेजा गया कोई कांग्रेस हेडक्वार्टर्स बीजेपी हेडक्वार्टर्स और तब यू नो इट वाज ऑल वेरी न्यू ओबी वैन भी बहुत कम थे लेकिन पूरी तैयारी हुई रात को फोन आता है कि प्रोग्राम कैंसिल क्यों क्योंकि टीएन सेशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा ये एग्जिट पोल नहीं हो सकता दिस विल इन्फ्लुएंस द इलेक्शन विच एक्चुअली इलेक्शन खत्म हुआ था तो वैसे एग्जिट पोल तो कोई किसी को हम आजकल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से टीएन सेशन ने कहा दूरदर्शन पर एग्जिट पोल नहीं हो सकता तो हम लोग बैठे रहे और मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट था यार कहां भेजा था मुझे कौन से हेडक्वार्टर में थे बीजेपी हेडक्वार्टर इंटरेस्टिंगली बीजेपी हेडक्वार्टर खानपुर में जो उनका पुराना हेडक्वार्टर हुआ करता था मेरा मेरी नानी नाना के घर के पीछे ही था तब देखिए बीजेपी का हेडक्वार्टर भी छोटा हुआ करता था पंखा हुआ करता था एसी भी नहीं था अब तो क्या डबल एसी स्प्लिट एसी सब तो मिलेगा अब तो तीन बहुत बड़ा वाला मुझे लगता है गांधीनगर में हुआ उनका तो देखिए वो एक और मुझे हमेशा मालूम केशुभाई पटेल ऐसे बैठा हुआ करते थे मेन कुर्सी पर और सिर्फ वो खाकरा वो जो जलेबी खाकरा उनके सामने रखा हुआ करता था मोदी जी रूम के बाहर थे लेकिन मोदी जी वॉज वेरी इन्वॉल्व इन द इलेक्शन बट केशुभाई वॉज द फेस चेहरा केशुभाई थे उनके साथ काशीराम राणा शंकर सिंह वाघेला सुरेश मेहता एज द मीडिया मैनेजर मोदी जी आपको खाकरा और जलेबी के अलावा कुछ खिलाते थे मोदी जी के साथ हमने खाकरा जलेबी भी खाई है एक जमाना ऐसा भी खाई है हाँ गाली तो बाद में खाई लेकिन देखिए नहीं गाली नहीं देखिए मोदी जी वो तो अलग एपिसोड में हम बात करेंगे बट 95 वाज एन इंटरेस्टिंग इलेक्शन क्योंकि यू नो पहली बार बीजेपी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिली और केशुभाई ऐसे बैठे हुए आराम से खाकरा बड़े आराम ही वाज एन ओल्ड स्टाइल बापू जिसे कहते हैं गुजरात में ओल्ड स्टाइल लीडर बड़े आराम से खाने के बड़े शौकीन और बड़े धीरे धीरे खाते थे और बाकी सब इर्द गिर्द उनके थे काशीराम राणा सुरेश मेहता और शंकर सिंह वाघेला मोदी जी वॉज आउटसाइड ही वॉज इन द कॉरिडोर जो बाहर का कॉरिडोर है लेकिन कई लोग जितने भी MLAs थे मोदी जी के साथ भी आते थे पहले उनको मिलकर फिर केशुभाई के पास जाते थे बट दैट गवर्नमेंट ओनली लास्टेड 8 months बिकॉज विद इन 8 months ऑफ दैट शंकर सिंह वाघेला ब्रॉट डाउन दैट गवर्नमेंट तो बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई बहुत हुआ करती थी गुजरात में उस समय और मोदी जी हैड टू लीव गुजरात आफ्टर दैट 95 क्योंकि मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया गया कि आपकी वजह से इस तरह का डिसेंशन हुआ है तो इमेजिन 95 टू 2022 जब आज की तारीख में तो कहते हैं मोदी इज गुजरात गुजरात इज मोदी आई हैव सीन अ गुजरात वेर केशुभाई वॉज इन द चेयर एंड मोदी जी वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द कॉरिडोर सो दिस इज द 95 फरवरी फर्स्ट टाइम दैट दे वन देखिए चिमन भाई जो थे ना पुराने कांग्रेसी थे बड़े ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हुआ करते थे एंड वॉज अ डायनामो उनके साथ बहुत लोग हमेशा जहाँ चिमन भाई जाते थे बड़े ही हैड अ लॉट ऑफ फॉलोइंग एट दैट टाइम इन गुजरात एंड इंटरेस्टिंगली कांग्रेस के जो नेता उस समय थे वो थे माधव सिंह सोलंकी और माधव सिंह सोलंकी का तो ग्राउंड आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन रही है वो 85 वाले 149 सीट्स उन्होंने खाम अलायंस बनाया क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम का जो अलायंस बनाया था लेकिन खासियत माधव सिंह की थी बेस्ट लाइब्रेरी दैट आई हैव एवर सीन इन अ पॉलिटिशियन जो किताबें उनके पास थी ओहो टू गुड हर जहां भी जाते आपने कोई किताबें ली जो वापस नहीं करी अब ये सब मत देखे अब माधव सिंह जी हमारे साथ नहीं है लेकिन एक किताब मैंने उनसे ली थी ऑन पेपर टाइगर्स ये किताब किसी ने की थी ऑन दिस मीडिया बैरन्स और वो किताब मैंने माधव सिंह जी से ली थी बट ही वॉज अ वेरी वेरी वेल रेड पॉलिटिशियन अब कितने किताब खुद पढ़ते थे मैं नहीं जानता बट हैड अ लवली लाइब्रेरी चिमन भाई वॉज अ ग्रास रूट्स नेता ऑलवेज मूविंग अराउंड एवरीवेयर वेरी वेरी डायनामिक इन दैट सेंस and also gave you a very good Gujarati meal. You know, the reason I like going back to Gujarat is, I don't know what is your
गुजराती थाली आप? आई लव गुजराती. व्हाट इज योर फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस टू ईट? हां, फेवरेट प्लेस, नो फेवरेट प्लेस टू ईट और फेवरेट थिंग, फेवरेट थिंग इन अ गुजराती थाली. आई तो डोंट नो द नेम. उंधियो, उंधियो खाना, उंधियो इन दिस. उंधियो आप मुझे याद रहे. हां, आई विल, आई विल टेक, आई एम टेकिंग प्रीति विल. आई एम जस्ट गोइंग ऑन डूइंग दिस, दैट मींस वी हैव टू सर रैप अप. तो पेपर टाइगर्स की आपने बात की, वी गोना टॉक अबाउट द पेपर टाइगर्स एज वेल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन ड्यूरिंग द इलेक्शंस. वी विल कीप पिकिंग अप एक चुनाव, जैसे इन्होंने 1995 की बात की, वी विल कीप पिकिंग इलेक्शंस एज वेल एंड वी विल कीप कमिंग बैक. आई विल टेल यू अनदर 95 स्टोरी बट इन द नेक्स्ट एपिसोड. अगले 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 उसमें.